तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि अपनी लिनक्स में हम वाईफाई के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें। जो आप ये देख रहे हो, मैंने लगाया है इमेज, ये मेरी पिछली वीडियो की इमेज है जो मैंने ड्यूल बूट के लिए यूज़ की। तो आओ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डाउनलोड करने पड़ेगा, जो कि मैं आपको लिंक दूँगा अपने गूगल ड्राइव का। वहाँ से आप कॉम्पैक्ट वायरलेस डिस्क एक जिप फाइल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इसको सिंपली करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा अपने टर्मैक्स में जाने के बाद आपको स्क्रिप्ट को रन कराना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो वाईफाई का ड्राइवर है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जिसको इसमें इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आती है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आती है। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें जो अच्छे लगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया, तो अब हमें इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, मैं आपको साथ के साथ टेक्स्ट पे एक कमांड लिख के सिंपली बताता हूँ। आपको कुछ भी 2 या 3 कमांड यूज करनी पड़ेगी और आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हमने डाउनलोड कर लिया, इसको हम कट करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने टर्मिनल में कमांड लगाएंगे सीडी डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जो कि हमारा टर्मिनल वो डेस्कटॉप पे आ गया, तो हमें कमांड लगानी पड़ेगी ls। तो हम ls कमांड डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे एक कॉम्पैक्ट वायरलेस जो कि इसका ड्राइवर है वायरलेस का वो पड़ा है। तो जैसे कि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसको जो कि एक जी फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक करके एंड एक्सट्रैक्ट को इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं आप कुछ टाइम बचाने के लिए थोड़ी थोड़ी वीडियो स्किप करता रहूँगा, फिर भी अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ, हमेशा देता हूँ। तो अब हमें सिंपली कमांड क्या डालनी है, सीडी डेस्कटॉप, जिससे कि हम अपने टर्मिनल में डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो हम लगाएंगे कमांड सीडी यानी करंट डायरेक्टरी डेस्कटॉप, और हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अगर किसी भाई को एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, या इंस्टाग्राम पे मैं अपना यूजर नेम दूंगा, मेरे को फॉलो करें और मेरे को अपने प्रॉब्लम शेयर करें, तो मैं उनको प्रॉब्लम का मैं जरूर करूँ। जैसे मेरे जो पिछली वीडियो थी ड्यूल बूट, वो मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी, मैंने उसके चैनल पर वो वीडियो स्पेशली उसके लिए ही अपलोड की थी कि हम अपने पीसी में ड्यूल बूट में कैसे उसको इंस्टॉल करें। तो हमें ये कमांड लगानी पड़ेगी, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, सीडी जो कि हमारा एक कॉम्पैक्ट वायरलेस का, इसके हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद हमें सिंपली मेक अनलोड करना पड़ेगा। पहले मेक अनलोड करने के बाद हमें दोबारा कमांड डालनी पड़ेगी मेक लोड, और इसके बीच इस प्रोसेस के बीच में आपसे पासवर्ड ले सकते हैं आपका सुपर यूजर का, तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा तभी आपका ड्राइवर ही इंस्टॉल होगा, यानी वरना आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। तो जैसे कि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे क्या करना है। और अगर कमांड लगाने में किसी भाई को कोई दिक्कत आए या आपको बेसिक कमांड की नॉलेज नहीं है तो उनको कमेंट करें भाई, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भैया, सब्सक्राइबर थोड़े हैं, ताकि मैं वीडियो डालता रहूँ, आप मेरे को प्रॉब्लम बताओगे मैं तभी वीडियो डालूँगा, ऐसे मेरे को नहीं पता होता किस भाई को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आप कमांड लगाएंगे मेक लोड, मेक लोड करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशन लो कर आएगा, मतलब आपसे पासवर्ड लेगा अपनी जो कॉलिंग है, आपको वो एंटर करना पड़ेगा और आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, आपको चेक करके दिखा देता हूँ, जैसे वाईफाई कनेक्शन, और यहाँ पे सिलेक्ट नेटवर्क करूँगा जो कि मेरा जो है MBB का है, आपके पास मेरा नेटवर्क शो हो गया। तो मैं गैलेक्सी टैब A को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। भाई फिर भी अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आए काली से रिलेटेड या एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करें, फॉलो करें और मेरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहें ताकि मैं आपको बताता रहूँ।